हमारे पास आई है कि वासा की नाकिस हिकमत अमली है। जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड पर वासा की मेन सीवरेज लाइन टूट गई है। एलडीए दफ्तर के सामने ग्रीन बेल्ट पर 6 फीट चौड़ा गढ़ा पड़ गया है। मजीद जान लेते हैं शब्बीर हैदर से। शब्बीर हैदर बताइएगा, ये आए रोज जगह जगह गढ़ा पड़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जौहर टाउन मेन व्यू वर्ड है, जहाँ पर एलडीए ऑफिस के बिल्कुल सामने है। ये दूसरी बार बड़ा गढ़ा पड़ा है, जिस पर कुछ अरसा कबल पहले भी बारिश के बहस 6 फुट बड़ा जो है वो गढ़ा पड़ गया था। उसी तरह का अब जो है पीछे उसे इसी तरह सेम जो है वो बहुत बड़ा गढ़ा पड़ गया। अब अभी तक जो इंतजामिया की जानब से तो ऐसा कोई इंतजाम अमल में नहीं लाए गए, और जो यहाँ पर वासा के एहलकार यहाँ मौजूद है उनका कहना है कि अफसरान ने बाला को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। कुछ जैसे अफसरान ने बाला यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो है मशीनरी मंगवाई जाएगी, और मशीनरी मंगवाने के बाद इस पर जो कार्रवाई अमल जो काम का जो अमल है वो शुरू किया जाएगा। इस हवाले से उनका यही कहना है, अभी तक तो जो है इब्तदाई तौर पर देखा जाए तो ऐसे ही लग रहा है कि इसकी मेन सीवरेज जो है वो डैमेज हो चुकी है, जिसके बाद उनका कहना है कि ये काम पहले की तरह बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। इस हवाले से उनका कहना था अब मशीनरी आएगी तो इसके ऊपर जो काम है वो शुरू किया जाएगा। इस हवाले से उनसे बात ये भी हुई, इसमें गहराई इसकी देखी जाए तो बहुत ज्यादा गहराई है, इसमें यहाँ पर जो आदमी है वो नीचे नहीं जा सकता। इस हवाले से उनका कहना था कि अभी इस वक्त इब्तदाई तौर पर जो सड़क को बंद कर दिया ताकि लोगों को यानी कि सड़क जो है वो टूट ना जाए, मेन रोड नीचे बैठ ना जाए। इस हवाले से जो इसके इर्द गिर्द की जो सड़क है उसको तो बंद कर दिया गया इब्तदाई तौर पर। उस हवाले से उनका कहना है कि जैसे ही कोई मशीनरी आएगी और उसके ऊपर काम देखा जाएगा कि क्या ये मेन सीवरेज डैमेज हुई है या कि बारिश का पानी पड़ने से इसमें ये जो गड़ा पड़ा है, इस हवाले से अभी अफसरान की इंतजार है, अफसरान यहाँ पर आके काम शुरू किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया शब्बीर हैदर।